अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हरी मिर्च का कीमा, जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा लिया है बग़ैर हड्डी का, एक टमाटर लिया है इसको स्लाइस कर लिया है, एक टीस्पून नमक लिया है, 4 से 5 प्याज है स्लाइस की हुई, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं इनको भी मोटा मोटा काट लिया है, एक टेबलस्पून लहसुन है, आधा टेबलस्पून अदरक है, 3 से 4 टेबलस्पून तेल लिया है। अब इसमें डालेंगे कीमा, थोड़ा फ्राई हो चुका है, इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, अब इसमें डालेंगे टमाटर और नमक, इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, अब इसमें डालेंगे पानी, पानी इतना डालेंगे कीमा गल जाए, और फिर पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे नॉर्मल आंच पे। कीमा गल गया है, इसमें सब कुछ मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से, मसाले भी मिक्स हो गए, हरी मिर्चें भी गल गई हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज, सारी प्याज डाल देंगे, और फिर इसको जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ी प्याज नरम नहीं हो जाती। नॉर्मल आंच पे पकाएंगे। कीमा पूरा गल गया है, प्याज भी इसमें नरम हो चुकी है, पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, पानी इसका थोड़ा रह गया। अब इस पानी को जो है भून लेंगे, और फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, वरना जितनी हमने डाली है ये नॉर्मल है। हरी मिर्चों का कीमा रेडी है, हमने इसके ऊपर थोड़ा गार्निश कराया है हरी मिर्चें, आप इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना, जल्दी बन गया था, आसानी से बन जाने वाला है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ होते हैं और मज़े में भी अच्छा बनता है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।